हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल जडेन जी ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। ये है अपने अभी भाई। आज कुछ जा रहे हैं हम थोड़ा सा काशीपुर, थोड़ा ऐसे ही घूमने क्या, कुछ काम भी है हमारा। सो आपको अपडेट करते रहेंगे हम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो निकलते हैं। ये अपनी स्टैनी, हर बार स्टैनी बोल देता हूँ यार मैं। हैक्स, अपनी हैक्स। और इसका टायर भी डलना है, टायर भी देखते हैं क्या सीन होता है। टायर डलवाते हैं और देखते हैं, क्या पता आज ना डल पाए, तो अपडेट करते रहेंगे आपको। ओके सो गाइस, कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और फ्यूल बिल्कुल नहीं है। फ्यूल फिल अप कराते हैं। और जोजो को देखो, मेरे को बाय बाय कह रहा है। बाय जोजो। सो निकलते हैं यहाँ से और मेन रोड पर पहुँच के अपडेट करते हैं आपको हम क्या सीन है, कहाँ जा रहे हैं। ओके सो मिलते हैं मेन रोड पे। ओके सो गाइस, पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं। कर दो। सो पेट्रोल फ्यूल अप कराते हैं और निकलते हैं फिर सीधे काशीपुर को। तो गाइस पिरुमदारा को जा रहे थे और देखो पानी कितना हो रहा है यहाँ। ये खेतों का पानी सारा इधर को आ रहा है। ओ भाई 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 भाई, भाई गिनने से बच गए। सो गाइस, ये बारिश आज बहुत ज़्यादा हुई है। आज हम सुबह ही सोच रहे थे काशीपुर जाने की, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश ही सुबह से इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड देखो ये तालाब। सो गाइस पैर नीचे नहीं रखूँगा। तो भाई आजकल तो जहाँ देखो वहाँ पानी हो रहा है, बिल्कुल ही मतलब वाटरी वाटर हो रहा है सब। जो मतलब इस बार ना ये बारिश या तो एक तो जल्दी आ गई, ऊपर से इतनी गंदी बारिश आई है ना कि ये बारिश एक जगह नहीं सब जगह हो रही है। सो हमने शॉर्ट मार दिया पिरुमदारा के लिए और मिलते हैं पिरुमदारा में। एक 250, एक 200। हाँ आप देखते हो व्लॉग? कब देखा? कौन सा? ऑफ रोडिंग ना वाला नहीं है हमारा, जेड एन जे व्लॉग्स है हमारे चैनल का नेम। गजब बेइज्जती है। अच्छा आप भूल गए थे। ओके सो गाइस, पिरुमदारा से निकल चुके हैं काशीपुर को। और मैं जैसा कि मैं आपको व्लॉग में बता रहा था पहले कि हम जा रहे हैं काशीपुर कुछ काम से। काम यह है कि यार मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, तो व्लॉग वगैरह एडिट मैंने फ़ोन में ही करने थे एंड वो अभी भाई कर रहे थे अब। तो फ़ोन भी लेना है मैंने, एक भाई के पास फ़ोन है आईफोन, वो देखता हूँ अगर वो सही रखता है तो उसे देते हैं, नहीं तो कोई दूसरा फ़ोन देखते हैं। और देखते हैं यहाँ टायर भी डलवाते हैं इसका नया, बिल्कुल फुल पावर। फिर निकलेंगे फुल पावर मस्ती में, फिर पड़ेंगी विलीज। भाई देखता हूँ, सुबह से मौसम अब खुला है और सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब जाके मौसम थोड़ा खुला है और सन निकला है, थोड़ा सा सनसेट होते टाइम ही निकला है। गाइस मैंने आपको एक अपडेट भी देनी थी कि मैंने एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिया है और वो एग्जॉस्ट कौन सा होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, आने वाली वीडियोस में। एंड मैंने कौन सा एग्जॉस्ट ऑर्डर करा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सो आने वाली वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फुल यार फैला दो वीडियोस को यार। हमारी वीडियोस बहुत पहले से ना बहुत कम रीच आ रही है हर वीडियो में। सो वीडियोस को देखो गाइस पूरा यार एंड सपोर्ट करो प्लीज़। तो बाकी एक अपडेट थी आपको, यही अपडेट देनी थी। ऑर्डर हो चुका है एग्जॉस्ट और आने वाला है कुछ दिन में, फिर चलते हैं फुल पावर एंड आज देखते हैं क्या होता है। ओके सो गाइस मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से दो रास्ते कटेंगे, एक कुंडेश्वरी को एक काशीपुर को। सो हम कुंडेश्वरी वाले रास्ते में जाएंगे और मिलते हैं फिर। ओके सो गाइस, भाई कह रहे हैं हम 700 मीटर दूर खड़े हैं, देखते हैं कहाँ पर हमारे तो शोरूम के से तो आगे आ गए हम। आगे कह रहा हो तो देखते हैं, मिलते हैं भाई से। सो गाइस भैया के पास से होके आ चुके हैं और यार फ़ोन पसंद नहीं आया फाइनली। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ, जैसा मैं फ़ोन के बारे में सोच रहा था वही हुआ एंड देन मेरे को फ़ोन पसंद नहीं आया अब। सो हम जा रहे हैं अब काशीपुर को। सो काशीपुर देखते हैं, एक शॉप के पास राहुल भाई की शॉप है, शॉप पे देखते हैं अगर वहाँ कोई अच्छा फ़ोन मिलता है वहाँ से लेते हैं। और शाम भी होने वाली है, अब सनलाइट जाने वाली है। सो जल्दी जल्दी फ़ोन लेते हैं और जल्दी से टायर डलवाते हैं और निकलते हैं फिर रामनगर को फुल पावर। सो गाइस भैया की शॉप पे पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं फ़ोन को क्या होता है सीन। सो गाइस राहुल भाई के वहाँ से फ़ोन लेके निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं टायर डलाने और शाम भी हो गई है, रात होने वाली है अब यहाँ से। सो यहाँ से निकलते हैं और आपको फ़ोन भी दिखाता हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। सो मैंने स्टोरेज के पर्पज़ से फ़ोन लिया था, मेरे को फ़ोन की कोई नीड नहीं थी, फ़ोन मेरा दूसरा एक पड़ा था घर में। सो मैंने स्टोरेज के लिए वो फ़ोन लिया ये वाला। तो मैंने आईफोन 7 लिया है 128 GB, क्योंकि मेरे को वीडियोस एडिटिंग के लिए फ़ोन चाहिए था कोई
जो मेरा सेकेंडरी फोन मिल जाए, सो मैंने वो लिया है। और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से और निकलते हैं टायर डलवाने, और टायर डलवाते हैं फिर निकलते हैं फुल पावर रामनगर को। वाह, दोनों तरफ से बंद होगा और ज्यादा आएगी। सो गाइस, कार स्विफ्ट की आवाज सुनो एग्जॉस्ट की। सो गाइस, टायर की शॉप पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या टायर है, कौन सा टायर है, कहाँ कौन सा डालेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ, ओके। सो गाइस, टायर डल रहा है और भैया खोल रहे हैं टायर को, और टायर अभी डिसाइड करते हैं कौन सा डालेंगे। सो इसका जैक लगवाया है अभी, ये पैडॉक देसी जुगाड़। सो पैडॉक लगा रखा है इसका, साइड पैडॉक, और देखते हैं टायर कौन सा डलवाते हैं। काशीपुर आ रखे हैं कुक्कू भैया की शॉप पे, सो देखते हैं। ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे वीडियो में चल रहा है। अंदर अंदर लाइट जल्दी देखो, लाल वाली। हाँ, क्या करवाना है? अगला टायर चले गया फाइनली हमारा, बाय टायर। अच्छा टायर देखेंगे खुला है। तो अरे ना, फिर दुकान के अंदर को भी मना हो जाते हैं ना। सो गाइस, टायर खुला फाइनली, एंड ये अच्छी बात है मशीन से खुल रहा है, क्योंकि हमारे उधर होता तो लोग हाथ से ठोक ठोक के ना रिम को ख़त्म कर देते बिल्कुल, एंड ये अच्छी बात है। सो हमारा पुराना टायर को करते हैं बाय, और नए टायर को करते हैं गैजन। तो मैंने पहले भैया से पूछ लिया था कि यार वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो भैया कहते हैं वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछना सही रहता है ऐसे ना। ये रहा टायर। सो गाइस, रिम का कलेक्शन देखो यहाँ, किसी को भी अगर आना हो स्प्लेंडर वगैरह बुलेट वगैरह के रिम्स के लिए, तो कलेक्शन देखो भर भर के है। अभी ये बाहर दिखाने के लिए है, और भाई मॉडिफिकेशन के लिए ना यहाँ कुछ भी चीज़ की मॉडिफिकेशन हो, किसी भी चीज़ की मॉडिफिकेशन करा सकते हो आप, कार से लेके बाइक से लेके ट्रक तक की सब चीज़ की मॉडिफिकेशन यहाँ अवेलेबल है। किसी भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ मिल सकती है यहाँ काशीपुर कुकू वालों के वहाँ हो। हाँ, किसी भी चीज़ की भाई, ये दूसरी वे में ले जाता बंदा ना, ये अलग ही है, एक्सट्रीम बंदा है यार ये। ये बंदा ना मतलब डबल मीनिंग बना रहा था बंदो, बात होगी डबल मीनिंग भाई, कॉपी किन्ने करा, किसी भी चीज़ को कॉपी किन्ने करा, मैं बता रहा हूँ भाई, कमेंट करके बताओ ये बंदा डबल मीनिंग करता नहीं या नहीं करता है। तो भाई भैया तो पता नहीं कहाँ चले गए, देख रहे तो टायर दिखाएंगे। ये अपोलो है, ये अपोलो है, ये जेके। सो भाई ये अपोलो है, और ये जेके, ये जेके आगे ट्यूबलेस है, ये भी रेडियल है ना, और MRF वगैरह, और इससे अलग अभी यही है इस। अच्छा, तो गाइस देखते हैं प्राइस क्या है इसका, पता कर लेंगे कौन सा पसंद आ रहा है। पसंद तो ये आ रहा है, पर ये प्राइस इसका हाई होगा ना, पता कर लेते हैं, पूछ लो इसका प्राइस, दोनों का पूछ लो, बता दो फिर।
सो गाइस भैया प्राइस पूछने गए हैं दोनों का, तो देखते हैं क्या प्राइस है इनका। सो गाइस फाइनली हमने चूज़ करा है जेके टायर। सो ये 110 सेक्शन का, और इसकी पावर देखते हैं क्या है और लीनिंग पावर देखते हैं क्या है। पर इसमें एक फ़ायदा है जेके टायर में, क्योंकि इसकी 5 ईयर्स की वारंटी है, कटते हैं फटते हैं किसी भी चीज़ की, और C8 की उतनी नहीं है, C8 की 2 ईयर्स की है। सो ये बेनिफिट मिल रहा है हमें, सो हमने इस पर स्विच किया है जेके टायर्स पे। सो देखते हैं इसका रिव्यू दिखाते हैं और इसको फिट करवाते हैं और दिखाते हैं आपको। 2000 years later. So guys, finally and last टायर फिट हो रहा है और शाम भी हो गई, रात होने वाली है। सो ये टायर मैंने डलवाया है जेके का, इसकी 5 ईयर्स वारंटी है, और ये जेके का पता नहीं ब्लेज है कौन सा है, कोई मॉडल है। सो ये 110 सेक्शन का ही है, सॉरी मैं सोच रहा था ये 100 सेक्शन का है, वो बाद में देखा कि 110 सेक्शन का है। और इसका बिल, अभी बिल दिखा दे इसका। सो गाइस ये इसका फाइनल बिल है 2100 रुपये। सो ये भैया ने हमें, हमारी लेबर नहीं लगाई है, भैया करते भैया जाने वाले थे तो उन्होंने लेबर नहीं लगाई, इसमें कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं लेबर छोड़ो। सो 2100 का ये टायर पड़ा है, देखते हैं इसका रिव्यू क्या है, दिखाते हैं आपको वीडियोस में क्या रिव्यू है इसका, क्या इसका वो रहता है। सो फिट होता है और निकलते हैं यहाँ से गाइस और टायर दिखाते हैं आपको। सो गाइस टायर चेक करो यार, गाइस टायर कितना मस्त लग रहा है, टायर में मज़ा आ गया यार, देखने में तो मज़ा आ रहा है, राइडिंग एक्सपीरियंस क्या होता है वो देखते हैं इसका। सो फिलहाल तो बढ़िया लग रहा है ये। ना चल जाएगी, क्यों नहीं चलेगी? स्टैंड पूरा ऊपर कर लेना, स्टार्ट नहीं होगी नहीं तो। रेस दे देना थोड़ी, गेयर डला दूसरा है, गेयर दूसरा। सो गाइस भैया राइड लेने जा रहे हैं, एक चेक करने जा रहे हैं कि टायर कैसा है और ब्रेकिंग कैसी है, तो चेकिंग देखते हैं। तो गाइस रात अंधेरा हो गया है, रात हो गई है और टायर डला लिया हमने, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बताऊँगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना। पहले देखते हैं रोड, थोड़ी ट्रैफिक भी ऐसी हो रहा है और ऊपर से पता ही है इसमें आ गया, इसमें स्मोक कर रखा है तो कोई दिखता नहीं है। तो चलते हैं अब रामनगर को और बताऊंगा मैं इसको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, आगे वाला टायर डाल के कैसा लग रहा है और उसके बिना कैसा लगा। तो गाइस चलते हैं अब रामनगर को, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।